हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटाकेदार स्पाइसी सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाला कटहल का कोफ्ता। इस रेसिपी में मैं आपके साथ वो सारे सीक्रेट शेयर करूंगी जिससे आप एकदम सॉफ्ट कटहल का कोफ्ता बना करके रेडी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रेवी दिख रही है, एकदम मसालेदार चटाकेदार, और इसका कोफ्ता इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि वाह, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके लिए मैंने लिया हुआ यहाँ पर कटहल, आधा किलो कटहल यानी 500 ग्राम कटहल था, इसको मैंने बॉयल कर लिया है और जो हार्ड वाला बीज था ना उसको निकाल दिया है क्योंकि हमें बीज यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन 2 चम्मच। बहुत ज़्यादा बेसन डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बाइंडिंग के लिए हम बेसन का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है गरम मसाले से, 1 चम्मच नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक का यूज़ करिएगा कोफ्ते में। सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे ताकि जो है ना कटहल अच्छे से मिक्स हो जाए बेसन में। तो ये देखिए बहुत बढ़िया से मिक्स हो गया है, इसे रख देंगे सेट होने के लिए। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक छोटा सा ग्राइंडिंग जार लिया है मैंने, इसमें डाल देंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 टुकड़ा अदरक का, 1 प्याज को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब डालेंगे इसमें हरी मिर्ची, 1 हरी मिर्ची को मैंने बड़े टुकड़ों में कट किया है। 1 तेज़पत्ता लेंगे और उसको तोड़ करके हम ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे। 1/2 यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची लिया हुआ है क्योंकि इलायची बहुत बड़ी थी तो मैंने 1/2 लिया है। थोड़ा सा जायफर लेंगे और 2 छोटी इलायची यानी हरी वाली इलायची ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा चक्रफूल ऐड करेंगे तो चक्रफूल को तोड़ करके ऐड करेंगे ताकि ग्राइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे और 4 से 5 लौंग डाल देंगे। इसी के साथ इसमें हम 8 से 10 काली मिर्च के दाने ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और कैप लगा करके मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है, एकदम बारीक हमें मसाले को ग्राइंड करना है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है। तो आप जितना ज़्यादा अच्छे से मसाले को ग्राइंड कर सकते हैं ना आप उतना ग्राइंड करिएगा। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर टमाटर, टमाटर को भी ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। वापिस हम आ गए हैं डो की तरफ, तो अब हम कोफ्ता बनाएंगे। अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि चिपके नहीं, और फिर डो से थोड़ा सा टुकड़ा एक नींबू के आकार का लेंगे, उसको पहले हल्का सा लड्डू जैसे गोल कर लेंगे और अपने दोनों हाथों की सहायता से गोल गोल करके कोफ्ता हम बना लेंगे। ये देखिए एक बन गया है, इसको साइड में रख देंगे। आप कोफ्ता थोड़ा सा बड़ा छोटा जैसा आप पसंद करते हैं आप वैसा बना सकते हैं। सारा मैंने बना करके तैयार कर लिया है, तो अब हम चलेंगे इसे फ्राई करने के लिए। ऑयल मैंने पहले से गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया था, फ्लेम मीडियम रखा है। जैसे ही अच्छे से हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम एक एक करके कोफ्ता फ्राई करने के लिए डालेंगे। साइड से डालेंगे, बीच में नहीं डालेंगे, साइड से डालेंगे ताकि छींटे ना आए हमारे ऊपर ऑयल के। कोफ्ते डालने के बाद 1 मिनट तक हम टच नहीं करेंगे। जैसे ही नीचे से हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसे अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा डार्क कर देंगे ना तो कोफ्ते हमारे फिर हार्ड हो जाएंगे। कोफ्ते हमें यहाँ पर एकदम सॉफ्ट रखना है। तो जैसे ही डार्क गोल्डन कलर कोफ्ते का आ जाता है फिर हम कोफ्ते को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। बाकी जो बचा हुआ कोफ्ता है उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। वापिस उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल कम किया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से पक जाने के बाद एक हम डाल देंगे तेज़पत्ता और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग। हींग से बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। और उसके बाद डाल देंगे हम मसाले जो हमने इसे पहले ग्राइंड करके रखा हुआ था।
मसाले को डालने के बाद हम मिक्स करेंगे और इस प्रोसेस में हम फ्लेम को लो रखेंगे। मसाला मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ग्रैनी जार में काफ़ी मसाला लगा था तो उसी को हम वॉश करके और पानी डाल देंगे। मिक्स करेंगे और कैप लगा करके फ्लेम लो रखेंगे और 2 से 3 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। जब हम ढक करके मसाले को पकाएंगे ना तो बहुत बढ़िया सी जो है ना मसाला हमारा पक जाएगा और उसकी खुशबू बाहर नहीं जाएगी, तो मसाला जो है ज़्यादा बढ़िया रहेगा और टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आएगा कोफ्ते का। 2 मिनट बाद कैप उठाएंगे और मसाले को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देंगे। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इसमें झाल बिल्कुल भी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए यूज़ किया जाता है। सभी चीज़ों को अब हम मिक्स करेंगे। लगभग 2 मिनट तक हमने इसको मिक्स करते हुए और पका लिया है। बहुत ही बढ़िया सूंधी सूंधी से मसाले से खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। पेस्ट को भी हम मिक्स करेंगे और वापिस कैफ लगा करके 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच में एक दो बार आप चेक कर लीजिएगा। 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम कैप उठाएंगे। ढक देने से मसाले के जो छींटे आते हैं ना पकते समय, वो आपके ऊपर नहीं आते हैं और मसाला बढ़िया से पक जाता है। तो आप मसाला जब भी पकाइए तो ढक करके पकाइएगा। तो बढ़िया से मिक्स कर दिया है मैंने मसाले को। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। जिस बाउल में हमने सभी चीज़ मिक्स किया था ना, उसको वॉश करके डाल देंगे। उसमें बेसन रहता है तो उसमें ग्रेवी अच्छी हो जाती है कोफ्ते की। अब हम डाल दिया है यहाँ पर 1/2 कप पानी। पानी डालने के बाद मिक्स करेंगे। अगर हमें पानी और डालने की आवश्यकता होगी तो हम डालेंगे। तो अभी मुझे थोड़ा सा पानी और लगेगा, तो जितना पानी बचा हुआ था ना उतना डाल देंगे। मतलब कि 1 कप पूरा पानी हमने यूज़ कर दिया है। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी का यूज़ करिएगा। सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है मैंने और अब डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक का यूज़ करिएगा। सभी चीज़ों को फिर से एक बार मिक्स कर देंगे और उबाल आने का वेट करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। जैसे ही ग्रेवी से उबाल आना शुरू हो जाएगा फिर हम कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद एक बार हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर गैस का फ्लेम मीडियम करके ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर कोफ्ते के अंदर आ सके। 4 मिनट हो चुके हैं। कैप उठाएंगे। बहुत ही प्यारा सा कोफ्ते का कलर दिख रहा है। एक बार हम मिक्स कर देंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कोफ्ता हो गया है तैयार। फ्रेशनेस के लिए डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया को मिक्स करेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो मुझे यहाँ पर इतनी ग्रेवी चाहिए तो मैं इतना रख रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप अपने अनुसार रखिएगा। गर्मा गर्म हम सर्व नहीं करेंगे, थोड़ी देर रख देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद हम कोफ्ते को सर्व करेंगे। तो ठंडा होने के बाद मैंने इसे प्लेट में सर्व करने के लिए बाहर निकाल लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा कलर दिख रहा है। बहुत ही टेस्टी हमारा कोफ्ता बन करके तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके से कटहल का कोफ्ता बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नई नई रेसिपी आपको मिलती रहे। फेसबुक पर देख रहे हैं तो तारा कुशवाहा फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा।